मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लुधियाना में अवैध माइनिंग का धंधा चल रहा है। गांव राजगढ़ नजदीक दुराहा में सरेआम माइनिंग हो रही है। इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि सच में पुलिस प्रशासन बेखबर है इस पूरे मामले में। गांव राजगढ़ नजदीक दुराहा में सरेआम अवैध माइनिंग का मामला सामने आया है। यहाँ पर सवाल निशान ये खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन क्या सच में बेखबर है या फिर ये भी मिलीभुगत है। लुधियाना का ये मामला है जहाँ पर अवैध माइनिंग का धंधा चल रहा था। गांव राजगढ़ नजदीक दुराहा में सरेआम अवैध माइनिंग हो रही थी। बड़ी खबर लुधियाना से आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध माइनिंग का धंधा चल रहा था सरेआम। यहां पर गांव राजगढ़ नजदीक दुराहा में माइनिंग हो रही थी। यहां पर सवाल निशान ये खड़ा होता है कि आप पुलिस प्रशासन सच में बेखबर है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गया। रविंद्र, आप जानना चाहेंगे लुधियाना में अवैध माइनिंग का मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट? पुलिस डिस्ट्रिक्ट खन्ना है, जिले के अधीन दुराहा थाना के नजदीक है राजगढ़ गांव। वहां पे नजायज माइनिंग हो रही है। सूत्रों से हवाले से पता चला है कि ये जमीन जो जहां पे नजायज माइनिंग हो रही है, ये पंजाब सरकार की जमीन है। जहां पे कोई भी ऑफिसर या कोई भी अधिकारी इसको रोकना नहीं चाहता। वहां पे 8 से 10 मशीनें काम कर रही थी जो नजायज माइनिंग कर रही थी। हमारे को देख के पत्रकारों की टीम को देखकर ये मशीनें छोड़कर भाग गए, पर पुलिस के आने तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई अभी तक भी। बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस के आने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई रविंद्र, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे लगातार इस तरह के मामले अवैध माइनिंग के पंजाब के अलग अलग जिलों से सामने आ रहे हैं, क्या पुलिस सही में बेखबर है या कहीं ना कहीं ये भी एक मिलीभुगत है? बिल्कुल, पुलिस तो हमने जब पुलिस से बात की फोन पे, उन्होंने कहा हमारे को मालूम नहीं है इसके बारे में, जहाँ पर है हम चेकिंग करेंगे। पुलिस रात 8 बजे तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंची थी। उसके बाद जब वो मशीनें भगा के ले गए, उठा के ले गए, उसके बाद पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति की है। तो उनको सभी वीडियो दिखाई है, सबको पक जाना चाहे पुलिस ने कैमरे क्या क्या है, कुछ नहीं बोला हमारे को। बिल्कुल, अगर पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति की जिस तरीके से आपने बताया, तो क्या उम्मीद की जा सकती है, किस तरीके से रोक लगेगी अवैध माइनिंग पर? बिल्कुल, लोग बगैर किसी डर से बगैर भय से काम कर रहे हैं वहां पे भी। उनको जैसे कोई डर नहीं होता किसी प्रशासन का, किसी पुलिस का। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है भी जो जहां पे नजायज माइनिंग कर रहे हैं वो पंजाब सरकार के नाम पे जमीन है, पंजाब सरकार की जमीन है। वहां अवैध माइनिंग हो रही है, काफी लंबे समय से हो रही है, पर अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर बेखबर है, क्या सच में बेखबर है, ये सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि यहाँ पर पुलिस को जब सूचना दी गई तो सिर्फ खाना पूर्ति की गई, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया इस पूरे मामले में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल निशान खड़े होते हैं।